हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च। 2 मार्च में जो मेन मेन करंट अफेयर जितने भी हुए हैं उसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया कैलिफोर्निया में किया गया। कैलिफोर्निया में कुछ बात करते हैं। ट्रेड गा लास्को स्विट्स गेम और कोडा की कास्ट 28 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड अपने नाम किया। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सेरेमनी कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में वार्कर हैंगर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया। और पेरिस की बात करें तो पेरिस सी नदी किनारे, लंदन टेम्स नदी किनारे, वाशिंगटन डीसी पोर्ट मैक नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जो कुल स्वर्ण पदक जीता है 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल इंडिया 6 स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया? तो इसका आंसर होगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी दुनिया के पहले हवाई अड्डे को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करती है। रविवार को केरल में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र में से एक को चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फरवरी 2022 में किसे सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। सेबी की बात करेंगे तो सेबी की स्थापना 1988 में किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और कुछ बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सोमवार को माधवीपुरी बुच को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह अजय त्यागी के जगह लेगी। माधवीपुरी बुच पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी। अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्ण कालिक सदस्य माधवीपुरी बुच को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये किया है नागेंद्र सिंह तोमर। किसने किया है? तो नागेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिले के बूढ़ी बरलाई गांव में किसानों को पॉलिसी बांटकर इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो रिवीजन करते हैं पिछला करंट अफेयर।
अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 भारत किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास किया है? तो इसका एक जो प्रशिक्षण का अभ्यास किया है जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत और जापान के बीच किया जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है अभिषेक सिंह को। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। 55 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा, यानी पहला स्थान पर रहा। भारत की बात करेंगे तो भारत 43वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियन में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारत रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो बीना में किया गया, राज्य बोल रहा है तो राज हो जाएगा मध्य प्रदेश, राज हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक उमा दास गुप्ता कौन है? उमा दास गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिलाले पाकिस्तान सम्मानित किया जाएगा? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया जाएगा, हिलाले पाकिस्तान बिल गेट्स को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, और कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। महारत्न कंपनी की बात करें तो वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है, और नवरत्न कंपनी की बात करें तो 13 नवरत्न कंपनी है। और कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसका जो स्थापना हुआ 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नदियों में नाइट नेविगेशन ने लॉन्च करने वाला दुनिया करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बना है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो बस आज भर इतना ही रहने दीजिए।